ठीक है असीम, किसान नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर पहले हुई है, उसकी तस्वीरें दिखाते हैं आपको। कर रही है ये बुलेट, SLR की बुलेट चलाई गई हमारे ऊपर, इस तरह से हंजू गैस जो हमारे ऊपर नहीं चलाना चाहिए, ये प्लास्टिक की गोलियां उन्होंने इस्तेमाल की और ये रबड़ की गोलियां ये हमारे ऊपर हो रहा, और जिस तरह से हमारी परसेप्शन बनाई जा रही मीडिया में, खालिस्तान का अटैक लगाया जा रहा, प्रो लेफ्ट बोला जा रहा है, प्रो कांग्रेस बोला जा रहा है और प्रो पंजाब सरकार बोला जा रहा है, अभी ये उत्साहित कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हम जब जब हम तो ये कहते हैं भी जो देश में नीतियां लागू हैं कांग्रेस लेके आने वाली है, और सीपीआई सीपीएम का राज पश्चिमी बंगाल में 35 साल रहा, उनका और अन्य राज्यों का हमको अधिक फर्क नहीं समझते हैं। तो हम जैसे हम सब सरकारों की आलोचना करते, आम आदमी भगवंत मान सरकार की भी वैसी आलोचना करते, हमसे किसी का कोई लेना देना नहीं, हम देश के किसान हैं, खेत मजदूर हैं और अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री से अपील करते हैं, फिर मैं तो रोज अपील कर रहा हूँ कि आपका बोलते हृदय बड़ा है, बड़ा हृदय कीजिए और हमें MSP खरीद की गारंटी का कानून बना के दीजिए। जिस तरह से अनुराग ठाकुर जी बोल रहे हैं कि इनका मांग पत्र चार्ट बड़ा होता जा रहा है, ये बात नहीं है, हमने पहले दिन से वही मांग पत्र रखा, उसी पे काम कर रहे हैं। जैसे बोला जा रहा है कि अगर MSP खरीद की गारंटी का कानून बनाना है तो उसके लिए कमेटी आवश्यक है, तो हम बताना चाहेंगे आपको, कल भी बताया था कि जो CACP की रिपोर्ट के अनुसार देश के 23 फसलों के ऊपर सरकार पूरी तरह कैलकुलेट कर MSP 23 फसलों का ऐलान करती है, तो हमने मंत्री महोदय के समक्ष ये बात रखी कि आप बताइए आप ये अनाउंसमेंट कैलकुलेशन से कर रहे हैं, बोले हाँ, तो हमने बोला इसके ऊपर लीगल गारंटी कानून बना दीजिए, हमें तो सिक्योरिटी चाहिए भी जो MSP का ऐलान आपने किया वो कम रेट पर मंडी में ना बिके। तो अब वो कमेटी बना के हमारा मसला ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं। एक मैं और बात बोल दूं तो छोड़ गए, यहाँ से भी किसानों को अर्धसैनिक फोर्सों ने, पुलिस ने उठाया है, वो अंबाला के थाने में है, ये रिपोर्ट आ गई हमारी, और खनौरी बॉर्डर से भी किसानों को उठाया गया, वो हरियाणा की अभी जेल में है। तो एग्जैक्ट गिनती तो नहीं मुझे मालूम, पर हाँ 15 बुलारा साहब को ज़्यादा पता है, ये 15 होंगे इधर, उधर की गिनती अभी ले रहे हैं जो इनके थानों में है। फिर भी हम नहीं कहते भी वार्ता नहीं करें, पर हम अनुरोध करते सरकार से पहले ये सब बंद कीजिए, आम माहौल कीजिए, हम वार्ता के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार है। अब जू ही डल्लेवाल साहब आएंगे, कोई जो अंदर बात करनी है उनसे बात करके आगे की बात हमको आपको बताएंगे। दिल्ली कूच, दिल्ली कूच है जी, उस कोई रुकावट नहीं गई, ठीक है, डल्लेवाल साहब आ रहे हैं की विचार चर्चा करनी दो फार्मर की, सारी रिपोर्ट कलेक्शन हो गई है, उदो बाद थोड़ा फैसला हो जाएगा। बुलारा जी को हरियाणा तो कहना चाहते श्याम, असी तो कल भी कहा जी मीटिंग जेडे को अफसर सानू गल करना आए सी भी पंजाब की टैरिटरी इस्तेमाल की जा रही है, कानून मुताबक साड़ी टैरिटरी इस्तेमाल नहीं हो सकती, ड्रोन भी आए आ और जिन्हें फायर हो रहे वो भी पंजाब की टैरिटरी से, तो लॉ मुताबक पंजाब सरकार को स्टैप चकना चाहिए इन्होंने खिलाफ। हाँ बुलारा साहब 2 मिनट की गल कर। राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति, पिछले 2020 में जो आंदोलन हुआ था पूरा हरियाणा, जब पंजाब के किसान बॉर्डर क्रॉस करके चले थे तो तमाम हरियाणा इनके साथ था, और आज भी पूरे हरियाणा में, खासकर हरियाणा सरकार को ये कहना चाहता हूँ, एक तो पुलिस कप्तान कैथल का मिस्टर तोमर है जिसने सीधी ऐसे कहा है पुलिस वालों को कि किसानों को खोद मारो, ये मिस्टर खट्टर ने संज्ञान लेना चाहिए इसके ऊपर। ABP News आपको रखे आगे।